हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। एक और वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ कि आपने मेरा पिछला वीडियो जो है वो देखा होगा और आपने उसको प्यार भी दिया होगा। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना, ओके, इस वीडियो को कंप्लीट देखना। और उस वीडियो को जो मैंने पीछे दिया था आपको, अमेजिंग बेनिफिट्स ऑफ गायत्री मंत्रा, और आपके सवाल जो थे उनके आंसर्स जो हैं, उत्तर जो है, मैंने वहाँ पे देने का ट्राई किया है। तो अगर आपके मन डाउट्स कुछ थे गायत्री मंत्र को लेके, तो मैंने उस वीडियो में जाके देख लेना दिया हुआ है। बट अभी फ़िलहाल ये वीडियो कंप्लीट देखो। यहाँ मैं एक ब्रह्मचर्य के ऊपर बात करूँगा। अगर आप ब्रह्मचर्य में नहीं हो, राइट, तो मैं आपसे मतलब रिक्वेस्ट करूँगा, आग्रह करूँगा आपसे कि आप ब्रह्मचर्य को अवश्य अपनाएं अपने लाइफ में, ताकि अगर आप डिप्रेस्ड हो और अगर आप मतलब बहुत कुछ सोच रहे हो कि मैं इस हर्डल को कैसे पार करूं, इन एग्ज़ाम्स को कैसे पार करूं, इन मुश्किलों को कैसे पार करूं, वो मेरी फैमिली मुश्किल हो या फिर मेरे इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो या फिर मेरे फाइनेंशियल हो या फिर स्टडी वाले रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो, तो कैसे पार पाएंगे, उन सब के लिए इस वीडियो को देखते रहना। स्टे ट्यून। आई होप यू आर फॉलोइंग ब्रह्मचर्य, यू आर प्रैक्टिसिंग ब्रह्मचर्य, राइट। सेलिब्रेसी आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे। अगर आप नहीं कर रहे हो तो यार आप कहाँ हो, मतलब क्यों ऐसे कर रहे हो आप गंदी वीडियोस क्यों देख रहे हो, आप गंदे चीज़ों को क्यों कंज्यूम कर रहे हो, नेगेटिविटी को कंज्यूम क्यों कर रहे हो आप, ख़राब चीज़ों में आपका ब्रेन क्यों जा रहा है, राइट। ये मेरा कंसर्न है, दिस इज़ माय मेजर कंसर्न। तो उन सब चीज़ों को छोड़ो और हमारे भगवान हनुमान जी और भगवान श्री कृष्ण जी जो हैं, उन्होंने जो आपको बताया है भगवद गीता में, उनको फॉलो करो। देखो, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आज से ब्रह्मचर्य शुरू कर दो, आप नहीं हो पाएगा, इट्स इम्पॉसिबल, राइट। आपको पहले उस दिनचर्या में आपको फिट बैठना होगा, उस हैबिट्स को आपको अपने लाइफ में उतारना होगा। तो उसके लिए आपको पहले भगवद गीता पढ़नी होगी। भगवद गीता के श्लोक्स में जो है, श्लोकों में ऐसे ऐसे चीज़ें बताई गई हैं भगवान श्री कृष्ण से, कि जब आप उनको उतारते हो जीवन में, आपकी आंखें खुलती हैं, यू बिकम कॉन्शियस, ओके। जब आप कॉन्शियस होते हो तब आप अग्रसर होने का ट्राई करते हो, आगे बढ़ने का ट्राई करते हो लाइफ में, ऑलराइट। तभी आप समझते हो ब्रह्मचर्य का लिंक लाइफ में कितना ज़रूरी है। अगर आप लिंक पकड़ पाए तो ही आगे बढ़ पाओगे। मैंने इसके विषय में बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं कि सिर्फ अपने शक्ति को रोकना ही ब्रह्मचर्य नहीं, आप ब्रह्मचर्य पालन करने के लिए बहुत सारे विधि हैं, बहुत सारे सुबह प्रैक्टिसेस करने पड़ते हैं, योग आसनास करने होते हैं। उस आसनास के ऊपर मैं कल वीडियो दूंगा आपको, राइट। अगर आप आज देख रहे हो सैटरडे, तो कल संडे होगा, संडे को मैं वीडियो दूंगा, तो कल दूंगा, उनको जाके देखना, उस वीडियो को जाके देखना। बट अभी आप एक संकल्प लो कि मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूँगा, मैं अच्छा खाना पीना करूँगा, मैं अच्छे संगति में रहूँगा, भगवत मार्ग में आगे बढ़ूँगा। भगवत मार्ग में आगे नहीं बढ़ोगे तो आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल, राइट, इट्स नियर टू इम्पॉसिबल, राइट। आप मतलब आप सोचना भी आपके लिए मतलब दुश्वार होगा कि मैं हाँ कर पाऊँगा। सुबह ही नहीं उठते हो आप 4:30 बजे, 5, 5:30 बजे उठते ही नहीं हो आप, 7-8 बजे तक सोते रहते हो। वही पहले कर लो, भगवद गीता तो पढ़ोगे आप, पहले सुबह ही उठना शुरू कर दो, आपको जितने भी प्रॉब्लम्स है वो सब चली जाएंगी आपका, राइट। कमेंट में अवश्य बताना कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में आ रही हैं, और मैं ट्राई करूँगा उनका निवारण करने को, सोल्यूशन निकालने को, राइट। कमेंट में अवश्य बोलना कि क्या प्रॉब्लम है, आप क्या नहीं कर पा रहे हो, सो नहीं पा रहे हो, उठ नहीं पा रहे हो, जल्दी सो नहीं पा रहे हो, देर से उठ रहे हो आप, जल्दी उठ नहीं पा रहे हो, आपके लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स है, जैसे कि माइंड में क्या क्या चलते रहता है, स्टेबिलिटी नहीं है, वट एवर प्रॉब्लम्स आते हैं, जस्ट गिव इन द कॉमेंट्स, ओके, कॉमेंट सेक्शन में देना नीचे, मैं ट्राई करूँगा कि उसको मैं हल कर सकूँ थ्रू रिप्लाइज, ओके। और कल जो है मैं योगा के ऊपर बनाऊँगा वीडियो, हाउ टू यू नो मेक स्ट्रांग, हाउ टू बी स्ट्रांग फॉर सेलिब्रेसी एंड हाउ टू मेक योर सेलिब्रेसी स्ट्रांग। तो योगा आसनास कुछ हैं, योग मुद्राएँ कुछ हैं, उनको मैं आपको बताऊँगा कल। तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल, ओके। भगवान का कृपा पे अवश्य होगा, अगर आप अच्छा काम करोगे, झूठ नहीं बोलोगे, हाँ सच में रहोगे, किसी का बुरा नहीं करोगे, भला करोगे किसी का, और किसी के प्रति आपके मन में और दिमाग में गलत नहीं है, अच्छे विचार है, पर स्त्री को आप गलत से नहीं, अपने बहन माँ के हिसाब से देखोगे, तो भगवान अवश्य आपका सही करेंगे, आपका अवश्य सही करेंगे ही करेंगे, ये मैं गारंटी लेता हूँ, राइट। क्योंकि मैं जानता हूँ भगवान उन्हीं को देते हैं जो सच्चा होता है, ऑलराइट, झूठा नहीं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मेक श्योर लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो टू, कमेंट में बताना क्या क्या दिक्कतें हैं, मैं ट्राई करूँगा आपको रिप्लाई देने को। हरे कृष्णा एंड आई होप यू हैव अ वंडरफुल लाइफ।